नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात लंबे इंतजार के बाद से माती बस डिपो का संचालन शुरू हो जाएगा। 15 बसें डिपो में पहुंच गई हैं। कार्यक्रम की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। माती में कानपुर झांसी से हाईवे रोडवेज बस डिपो ठीक बस स्टेशन के बगल में बना है। 4.39 करोड़ की लागत से वर्ष 2018 में माती डिपो तैयार हो गया था। प्रभारी मंत्री ने डिपो के भवन का लोकार्पण भी कर दिया था, लेकिन फायर एनओसी डीजल की आपूर्ति व अन्य जरूरी संसाधन की कमी और मुख्यालय की मंजूरी न होने से डिपो शुरू नहीं हो सका। लखनऊ मुख्यालय की मंजूरी मिलने पर 2 साल बाद डिपो का संचालन सुनिश्चित हो सका। जरूरत के अनुसार स्टाफ की तैनाती की गई है। 10 रूटों में जिले की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है, इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। आज शुरुआत में तो हम लोगों ने 15 बसें यहाँ लगाई हैं। यहाँ से दिल्ली जोड़ा है, कानपुर जोड़ा है, लखनऊ जोड़ा है और अन्य जो हमारे रूरल जो जगह हैं वो मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करी है कि सबको समायोजित करके गाड़ी चलाना सुनिश्चित कर। सर, ये बसें किसी भी जनपद से अगर आती हैं कानपुर जाते, क्या यहाँ पर रुकना अनिवार्य रहेगा कि ऐसे निकल जाएंगे? बिल्कुल रुक के जाएंगे, अनिवार्य रहेगा। अच्छा आरम साहब, यहाँ से इस डिपो से कहाँ कहाँ की बसें संचालित होंगी और किस तरह की सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली है? आने से पहले मैंने हमारे आरम साहब को ब्रीफ कर रखा है, क्योंकि वो लोकल का जो ज़्यादा अच्छा है मेरे से बेहतर वो बता पाएंगे। इतना मैं बता रहा हूँ कि लंबी दूरी में हमने प्रयागराज जोड़ा है, लखनऊ जोड़ा है, कानपुर जोड़ा है, दिल्ली जोड़ा है और फिर जैसे जैसे आप लोगों की या जैसे भी यहाँ से हमें वो मिलती रहेगी उसी हिसाब से हम लोग सेवाएँ बढ़ाएंगे। अरे सर, लोकल की जो बसें चली थी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, कानपुर टू लखनऊ, कानपुर टू कानपुर, कानपुर देहात, वो रंगिया से ही लौट जाती है टोल के चक्कर में, क्या वजह? उसकी मैं व्यवस्था देखता हूँ, मैं अभी टीम लगा के जैसे मैं व्यवस्था देखाता हूँ, जो भी हमारी टीम है यहाँ टीएस को मैं लगा के उसकी व्यवस्था देख के आपको फिर एस्टिमेट करूँगा। जिन माधुरी डिपो का उद्घाटन हुआ है, क्या मानते हैं, कितना खुश है आप लोग? देश में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जन सुविधाओं के लिए हमारी सरकार सदैव चिंतित रहती है और उसी के क्रम में कानपुर देहात माती से पूरे जनपद के कोने कोने में आवागमन हेतु परिवहन निगम की बस की आज से शुभारम्भ हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायिका बहन प्रतिभा शुक्ला और मेरी भागीदारी हुई। हम सारे लोग हर्षित हैं, हाँ जनपद के लोग उल्लासमय हैं और मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि माती डिपो से जो आज सेवा प्रारंभ हो रही है सदैव सुखदायी हो, लोगों के कल्याण के लिए सदैव काम आएगी। हमारे अधिकारी कर्मचारी सारे लोग पूरे जनपद के लोगों को जन सुविधाएँ परिवहन के माध्यम से दिलाने का काम करेंगे, इसी वजह से आज सेवा प्रारंभ हुई। बसें रवाना की गई आज? आज 15 बसें हैं जिनको रवाना किया गया है और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी आपके सामने अधिकारियों से बात भी हुई है और भी व्यवस्था की जाएगी। कानपुर देहात का कोई कोना नहीं छोड़ा जाएगा जहाँ सुविधा से बस जा सकती हो और लोगों के आवागमन में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, ऐसा हमारा और हमारी विधायिका जी का दोनों लोगों का भरोसा है और आप भी हम लोगों का भरोसा करिए।